मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने क्या एक कहानी सुनी है जिसमें वो कहते हैं शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना, क्या आपने वो कहानी सुनी है? सुनाए जरा। चूहा वाली सुनी? वाह, चूहा वाली नहीं, हम आपको कहानी सुना रहे हैं इस सवाल के मद्देनजर। एक बार क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं उनकी एक सभा बैठती है। सभा में ये होता है भाई कि देखो जितने भी शिकारी हैं वो उद्दंड मचा रहे हैं, क्यों ना हम सब उड़ते रहते हैं। तो जैसे ही कोई शिकारी आए तो हम उसको जानकारी देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उसने कहा खतरा कैसे पता चलेगा, है ना, ताकि हम सचेत हो जाएं। उसने कहा हम बोलेंगे शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसेगा। उसके बाद क्या होता है, एक बार शिकारी सही में आ जाता है, ठीक। अब क्या पूरी बात हुई थी, सचेत होने की बात हो गई थी, सचेत होना है मतलब अलर्ट हो जाना। तो एक पक्षी को जैसे ही शिकारी दिखता है वो चिल्लाता है शिकारी आएगा, बोलो जाएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना। इस सवाल को समझने में बहुत मजा आएगा, आप कहानी पूरी सुनते जाओ। फिर क्या होता है, आगे ये होता है कि और सारे पक्षी, फिर वो जाल फैला देता है तो जाल में सब पक्षी फंस जाते हैं, क्योंकि उनने अलर्ट तो हो गए लेकिन वो उनको ये नहीं बताया था कि हमें उड़ना भी है। वो केवल क्या हो गए थे, अलर्ट। उन्हें ये सिखाया गया था कि यदि कोई शिकारी आए तो हमें अलर्ट हो जाना। तो वो जाल में फंस गए और वो एक ही चीज़ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना। उसके बाद उस शिकारी ने ले गया और उसको पकाने लगे। उस कंडीशन में भी सारे पक्षी एक स्वर में कह रहे थे शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना, ठीक। इसे कहते हैं रटना, आपको कहता है अलर्ट। इसमें कुछ नहीं करना, डब्ल्यू टू जहां जहां है वहां पे क्या क्या लिखा है, छः। डब्ल्यू थ्री जहां जहां है वहां पर क्या लिखा है, आठ। तो भैया सीधा सीधा मान रख देना था, ना शिकारी आता, ना जाल फैलाते, ना जाल में फंसते, कितना है, छह सात लिखा है। और इसको सीधा सीधा ले तो डब्ल्यू वन का मान कितना हो जाएगा, सात, और डब्ल्यू टू का मान कितना हो जाएगा, छह, डब्ल्यू थ्री का मान कितना हो जाएगा, आठ, और डब्ल्यू फोर का मान कितना हो जाएगा, नौ। बस इतनी सी बात खत्म। हाँ आएगा बेटा, चलो मान के चलो कि आपको इस पर शक्का हो, मान के चलो आपको ये आंसर गड़बड़ लग रहा है कि सर एक बार चेक करा दो। और आपको जो मैं बता रहा हूँ ना उससे आपके कई सारे सवाल हो जाएंगे। कई बार जैसे संख्या जब बड़ी हो जाए ना तो आपको जो करना है वो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है। आंसर यही आएगा सीधा सीधा, सिद्ध कर डब्लू वन डब्लू टू का मान कितना लिखा है, छह अनुपात सात, तो यहां पर हमने लिख दिया सात अनुपात छह। इसके बाद डब्लू टू डब्लू थ्री का मान लिखा है, कितना लिखा है, हाँ, तो डब्लू टू के नीचे कितना आ जाएगा, छह, और यहां पर कितना आ जाएगा, थ्री के नीचे आठ, और यहां पर सीधा सीधा आ जाएगा आठ अनुपात नौ, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो इधर कितना आएगा, छह, इधर कितना आएगा, छह, इधर कितना आएगा, आठ, और इधर कितना आएगा, छह, इधर कितना आएगा, आठ, और इधर कितना आएगा, आठ। सच्चाई है कि झूठ है, बोलो सच्चाई है कि झूठ है, सच्चाई। क्या मैं ये समझूं कि यहाँ पे दिख रहा है, ओके थैंक यू सो मच। अब हम डब्लू वन का मान दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। डब्लू वन का मान सात गुणित गए छह गुणित गए आठ अनुपात, W2 का मान छह गुणित गए आठ, W3 का मान छह गुणित गए आठ, और W4 का मान जगह कम है थोड़ा सा, छह गुणित गए आठ, और W4 का मान यही लिख दे रहे स्पष्ट हो आपको, छह गुणित गए आठ गुणित गए नौ। अब ध्यान से देखना, हमें गणित को कठिन करना है कि सरल, सरल। तो पहले काट लो ना यार, गुणा काय कर रहा है, आठ से आठ से आठ से आठ, वाह। अब
छह से छह। यहां क्या बचा? अल्फाबेट ऑफ ठीक गुणा काय कर्म। जब ले दे के किसी को कटना है, जैसे मान के चलो आप मांसाहारी हो, ठीक, आप कोई चीज कटी हुई है तो उसको क्यों जोड़ोगे फिर काटो? जब कोई चीज कटी है तो उसको काट के अलग ही कर दो। वाह,